बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो हम सॉल्यूशन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस। लास्ट हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसके सॉल्यूशन आपने अपनी नोटबुक पे लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 1 था मल्टीपल चॉइस, और अब नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर एक्सपिरेशन। आपको पेज नंबर 2 पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बाद जब डिफरेंशिएट किसी चीज़ को किया जाता है, तो जहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएट वर्ड आपको नज़र आएगा, वहाँ पे आपने चीज़ों को जो है वो आमने सामने रख के, मींस के अगर ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो आप मिड में एक लाइन लगाएंगे और साइड एक साइड पे आप ब्रीथिंग लिखेंगे और दूसरी साइड पे सेलुलर रेस्पिरेशन लिखेंगे और इनका कंपेरिजन करेंगे। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ब्रीथिंग को और सेलुलर रेस्पिरेशन को आपने क्या करना है। बीच में लाइन लगाएंगे और एक साइड पे ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन लिख के इनके फॉर्मेशन फंक्शन जो भी हैं डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, तो आपने इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना है। और इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको जो है पेज नंबर 2 पे मिलेगा, और आपने इनको पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। पेज नंबर 2 पे यहाँ पे आपको ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन की मिल जाएगा क्वेश्चन। इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। इस तरह से आप एक साइड पे ब्रीथिंग लिखेंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन, और इनके वन बाय वन पॉइंट्स जो हैं आप बना के लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 जितने भी आप इसके अंदर से देखिएगा। ये जहाँ पे आपको ये सोल्यूशन मिल रहा है, इसमें से आपने पॉइंट्स की सूरत में, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में अगर आप लिखेंगे तो ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स। तो इस तरह से आप ब्रीथिंग में लिखेंगे, द टर्म ब्रीथिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट टू द एयर टू गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या आप ब्रीथिंग में लिखेंगे, और इस तरह से आपने इनके पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे कि ये मैंने आपको शो किया है, डिफरेंशिएट जब भी किया जाता है दो चीज़ों को, तो इस तरह से उनको जो है राइट डाउन किया जाता है, एक साइड पे ब्रीथिंग और दूसरी साइड पे सेलुलर रेस्पिरेशन लिख के इनके पॉइंट्स बनाएंगे। और इसका सोल्यूशन जो है आपको ऑर्गेनिज्म टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक मिल जाएगा, और आपने इनको पॉइंट की सूरत में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन देखें, ट्रेस द पाथ ऑफ द एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वोलाई। इसका आंसर आपको पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें पेज नंबर 5 पे, द एयर पैसेजेस पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने जो है वो आंसर लिखना है। इस तरह से लिखेंगे, पाथ ऑफ एयर शो करवाना है जो कि नेजल कैविटी टू द एल्वोलाई तक होगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने आप ऊपर लिखेंगे जो क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्वोलाई, और उसके बाद आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये देखें मैंने मेंशन किया है, सबसे पहला पॉइंट होगा नेजल कैविटी, सेकेंड नोस्टिल, थर्ड पे आप ओवल कैविटी, ये उसका पाथ है जो कि ईयर एंटर होती है नेजल कैविटी टू एल्वोलाई तक। ये एल्वोलाई तक अब आपने इसके पार्ट लिखने हैं, तो वन बाय वन इसके पार्ट लिखेंगे जो आपने सॉल्यूशन लिखना है इसका। सबसे पहले नेजल कैविटी, नोस्टिल, ओवल कैविटी, फेरिक्स, एपिग्लोटस, ग्लोटस, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई डक और एल्वोलाई, ये आपने इसके पार्ट लिखने हैं। इसके 1, 2, 3, 4 करके आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन में। सिर्फ आप पार्ट को मेंशन करेंगे, उसकी डिटेल नहीं लिखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, यहाँ पे भी अब डिफरेंशिएट का वर्ड आ गया है। तो इस तरह से जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया था, इसी तरह से इसको भी लाइन बीच में लगाएंगे और एक साइड पे स्टोमेटा और लेंट्रिकल, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पेज नंबर 2 पे आपको लास्ट पे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट के अंदर यहाँ से आपको मिल जाएगा, द लीफ एंड द यंग स्टेम हैव स्टोमेटा। ये स्टोमेटा से आपने पेज नंबर 3 पे आपको जो है वो लेंट्रिकल की भी जो है आपको डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह से जैसे आपने ब्रीथिंग को सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफरेंशिएट किया पॉइंट्स बना के, इस तरह से आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। आप इसको रीड आउट करेंगे और जितने आप इसके पॉइंट बना सके, आपने पॉइंट की सूरत में इनको लिखना है, राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। ये आपके दी लीव्स एंड द स्टेम से स्टार्ट होगा, और ये जो एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, यहाँ तक आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे और इनको पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट बना सके। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको पॉइंट की सूरत में लिखना है। इनकी